ओके स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक. तो जस्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द बायोट-सावर्ट्स लॉ. तो व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ? द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. ओके, दैट इज द सिंपल फार्मूला व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बायोट एंड सावर्ट, व्हिच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट. एंड यूजिंग द बायोट-सावर्ट्स लॉ, वी हैव टू डिराइव द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल विच कैरीज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड पी इज द एनी पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ दिस सर्क्यूलर लूप हुज पोजिशन इज गिवन बाय द वैक्टर आर विथ रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट दैट इज आईडीएल. ओके, सो वॉट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ड्यू टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर IDL क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब. दिस इज सिंपल बायोट-सावर्ट्स लॉ. देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वी हैव टू जस्ट टेक ऑन द मॉड्यूलस साइन. तो यहां से वेक्टर हट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. बट व्हाट इज एंगल? इट इज द टेंजेंट बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द टेंजेंट. हियर दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 degrees बिकॉज टेंजेंट इज perpendicular to the radial direction. Here theta is equal to 90 degrees and sine theta is equal to 1. So what is the value of dB now? So dB becomes mu naught upon 4 pi IDL divided by R square. Sine theta 1 or ek R cancel. This is to be taken as equation number 1. Then we are taking the two components of dB. First one, dB cos phi along x-axis, and the second one, dB sin phi along y-axis. तो यह फिगर में क्लियरली अपने को शो कर रहा है. यहां पर देखो, तो एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा डीबी कॉस फाइ एंड वर्टिकल कंपोनेंट डीबी दिस इज डीबी साइन फाइ. बट जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है बेटा फॉर अ करंट लूप वो सिमेट्रिकल फिगर है. तो जो भी इसकी किसी भी पार्ट से अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट लोगे दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस. अपर हाफ का वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड लोअर हाफ का वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस. फॉर अ करंट लूप वर्टिकल कंपोनेंट गेट नलीफाइड. तो यहां पे साइन ये डीवी साइन फाइव नलीफाई हो जाएगा. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ओनली. जो भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस? तो डीबी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डीबी कॉस फाइव. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर. तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट कॉस फाइव? ज्योमेट्रिकली दिस फाई एंड दिस फाई आर इक्वल, इट इज प्रूव्ड. ओके, अभी याद रख लो ये फाई ये फाई. तो व्हाट इज कॉस फाई? एडजेसेंट अपॉन हाइपरटेन्यूस आर बाय आर. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब इन टू डीएल. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट पी
due to the current element ideal. So what about the total magnetic field? Total magnetic field at point P. So total magnetic field along x-axis, closed loop hoga, closed integration. Why close the integration? Because this loop is closed. That's why we are using the closed integration. Take out the constant terms bahar, mu not I upon 4 pi. Capital R upon R cube bar ho gaya, integration of dl. What this integration of dl represents? Iska matlab hota hai length of closed loop. So what is the length of this closed loop? That is circumference. So we can write mu not I divided by 4 pi into R upon R cube multiplied by the circumference 2 pi r. Okay, so ye 2 pi 4 pi cancel. So we are having mu not I upon 2 into R upon R cube. But what is simple? Using the Pythagoras theorem, it is right angle. But R square is equal to X square plus capital R square. So therefore R cube is equal to X square plus R square raised to power 3 by 2. So when you substitute this, the magnetic field along x-axis becomes mu not I R divided by, sorry, R into R, R square divided by twice of X square plus R square raised to power 3 by 2. So this is the formula for kiske liye? The magnetic field produced at point P due to this current element ideal. So magnetic field along x-axis x r cube ki value substitute karo beta, mu not I r square divided by 2 times x square plus r square raised to power 3 by 2. You have to remember this formula because it is very very important formula. Again chalo repeating this. Suppose P is the any point on the axis of a current loop passing through its center at a distance of x. Capital R is the radius of this current loop. I is the electric current passing through it. Position of the point P with respect to the current element ideal is given by vector R. Small magnetic field dB is making an angle of phi with respect to x-axis. So according to Biot-Savart's law, small magnetic field at point P dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal vector R upon R cube. Then magnitude ke liye cross product hatega r sin theta. But theta ki value beta 90 degree. Kyunki tangent is always perpendicular to the radial direction. And sin theta is equal to 1. dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal upon r square. But then two components of dB. dB cos phi, dB sin phi. But vertical component is always get nullified. Vertical component always nullified ho jayega. So sin phi get nullified. Vertical component is dB sin phi get nullified, then the resultant magnetic field is along x-axis. So dB along x-axis dB cos phi. dB ki value rakho. Cos phi ki value kitni? Cos phi beta adjacent upon hypotenuse. R upon R cube ho jayega phir yahan pe. Because already R by R, R square into R become R cube. Then total magnetic field chahiye at point P, then you have to go for an integration. Constant terms bahar, mu naught I 4 pi R R cube. Close integration dl is 2 pi r. So 2 pi se 4 pi cancel, 2 bacha beta r square into r. So r into r, that becomes r cube. R square and r cube ki value r cube x square plus r square raised to power 3 by 2 using the Pythagoras theorem. So small magnetic field kitni mil gayi yahan pe, dB is equal to mu not I r square 2 times x square plus r square raised to power 3 by 2. So this is the formula for magnetic field at point P due to kiske karan? Current in the circular loop. Okay, just go through it.